चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले सलूनी उपमंडल के प्रियंगुल गांव में आग ने तांडव मचाया। आग लगने से दो गौशालाएं जलकर खाक हो गई, जिसमें 4 बैल, 3 गाय और 12 भेड़ बकरियां आग की चपेट में आने से जिंदा जल गई। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, हालांकि जब तक गाड़ियां पहुंचती तब तक आग अपना काम कर चुकी थी। आगजनी की जानकारी मिलते ही कांग्रेस की नेता आशा कुमारी भी मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही। यहाँ पे प्रियंगुल में जो आग लगी और जो नुकसान हुआ, मगर जो प्रशासन है इन्होंने बड़ी, जिसको कहते हैं कि तेजी से जो कदम है उठाए, जो हमारे यहाँ SDM तहसीलदार वगैरह हैं, इन्होंने फायर ब्रिगेड जो है उसी वक्त यहाँ भेज दी, मगर सबसे बड़ा योगदान जो है स्थानीय लोगों का रहा। स्थानीय प्रधान, स्थानीय लोग जिन्होंने आग को रोकने में पूरा योगदान दिया, और बहुत इससे बड़ी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ये सारे लकड़ी के मकान हैं। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर जो बचाव हुआ उसके लिए बड़ा बड़ा हम ऊपर वाले की मेहर मानते हैं, उनका, भगवती का और शिव जी का, यहाँ इस धरती के ऊपर जो पूरा वर्धस्त है, तो बचाव बहुत बड़ा हुआ। मगर मवेशी इसमें चले गए, कुछ गायें थीं, कुछ बैल थे, कुछ बकरियाँ और कुछ भेड़ें थीं। सरकार की तरफ से पूरे उचित कदम उठाए जाएंगे। SDM साहब मौके पे हैं, फौरी रिलीफ जो है, राहत जो होती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दी है, और उसके अलावा भी जो गोड़ जली है, जो मकान को नुकसान हुआ है, हर चीज़ की भरपाई जो है वो सरकार की तरफ से करने का पूरा प्रयास रहे। बहरहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस आगजनी में पशुधन का बेहद नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन नुकसान के आंकलन के बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजा देगी। पंजाब के CCTV के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।